हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वेलकम करता हूं मैं आपका। आज आपके माइंड से होने वाले हैं सारे डाउट्स आउट। नाउन क्या है, कैसी है, कहां काम आती है, किस एग्जाम में या यूं कहें हर एक एग्जाम में किस तरह से आती है, आज हम ये जानेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी एक नाउन हैं और मैं आपके सामने हूँ, मैं नाउन हूँ। मतलब एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब नाउन होते हैं। अब बात करें, कोई भी चीज़ हो तो दो प्रकार से होते हैं, एक उसका काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। जी हाँ, अगर आप मुझे गिन सकते हैं मैं काउंटेबल हूँ। सब्सक्राइबर कितने हैं, कमेंट कितने किया आपने, ये काउंटेबल है। और जिनको हम नहीं गिन सकते, मींस आपने बालों में तेल कितना लगाया है, क्रीम कितनी है, नॉलेज कितना है आपको, आपके अंदर कितनी ऑनेस्टी है, कितनी क्रेजीनेस है, आप शिक्षा अकेडमी से जुड़ने में पूरा वीडियो आप देखेंगे क्योंकि आप सिंसियर हैं, तो कितनी सिंसियरिटी आपके अंदर, ये सिंसियरिटी, क्रेजीनेस, बिजीनेस, लेजीनेस, ये जो चीज़ें हैं ये होंगी अनकाउंटेबल नाउन में। आइए चलिए सीधा आपको ले चलते हैं हम इसकी ओर। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। जो रहिए, वीडियो पूरा देखिए, जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपके पास नाउन से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त जानकारियां पहुंच चुकी होंगी। यस, आप देख सकते हैं यहां पर है नाउन। देखिए, नाउन मतलब संज्ञा। जैसे हम किसी को किसी के नाम की संज्ञा देते हैं, जैसे कि आप मुझे बुलाएंगे महेश तिवारी सर, तो मेरा नाम क्या है, मैं नाउन हूं। मैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपका नाम जो भी हो, आप मेल या फीमेल, तो ये भी एक नाउन ही है। नाउन के दो प्रकार होते हैं, पहला है काउंट एबल, जिन्हें हम काउंट कर सकें, दूसरा है अनकाउंटेबल, जिसे ना गिन सकें। अब काउंटेबल में बॉय भी हो सकता है और बॉयज भी, गर्ल भी हो सकता है और गर्ल्स भी, मतलब इसमें एस लग जाए तो ये एक वचन से बहुवचन हो सकता है, सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है। लेकिन वाटर में अगर आप आर एस लगा दोगे तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर एक नाउन है, वो भी अनकाउंटेबल, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। फिर है नॉलेज, ज्ञान। तो आपको कितना नॉलेज है, देखिए जहां आप कितना लगा दें, कितना नॉलेज, तुम्हें कितना पता है, तुम्हें कितनी जानकारी है, राइट, कितना दूर है, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। और कितने बार, ये हो गया काउंटेबल। बहुत सिंपल, मेरे हाथ में पेन है, कितना पेन है, नहीं कितने पेन है, 1 2 3, तो ये काउंट है। और कितनी स्याही है, ये अनकाउंटेबल है। कितना कलर वाइट है, ये अनकाउंटेबल है, राइट। कितने देर से आप मुझे सुन रहे हैं, ये अनकाउंटेबल, लेकिन कितने मिनट से सुन रहे हैं, कितने सेकेंड से, या कितने देर तक सुनेंगे, कितने घंटों तक, ये हो जाएगा काउंटेबल, राइट। तो नॉलेज। अब है लव, कितना फेमस वर्ड है, आई लव माई ऑल सब्सक्राइबर एंड माई ऑल सब्सक्राइबर लव मी, तो ये क्या हो गया, लव यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है। हेट करना, नफरत करना, शिक्षा अकेडमी को आप लव करते हो, राइट, और आप अपनी नेगेटिविटी को हेट करते हो, तो ये हो गया अनकाउंटेबल में, मतलब ये सिंगुलर नंबर। अब देखो ध्यान से, जब आपसे कोई पूछिए कि, या किसी भी एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन में वर्ब कौन सी यूज की गई है और अनकाउंटेबल नाउन में कौन सी वर्ब यूज की गई है, मतलब इसमें सिंगुलर वर्ब भी आएगी और प्लूरल वर्ब भी आएगी। वर्ब से मेरा मतलब है दो वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की हेल्प करे वो होगी हेल्पिंग वर्ब। आपको मेरे साथ रिपीट भी करना है, जो वर्ब की हेल्प करे वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। और जो काम करे, आना जाना, आपने मेरे वीडियो में और देखा होगा, लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने वर्ब के बारे में लाइटली समझाया है। आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये वर्ब है। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो अनकाउंटेबल में केवल सिंगुलर नंबर की ही वर्ब लगेगी और सिंगुलर नंबर की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर किसी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी रिलेटेड एग्जाम हो, व्यापम वगैरह, मतलब कोई भी एग्जाम हो, या यूपीएससी का क्यों ना हो, आपको यदि सिंगुलर नंबर वर्ब की जगह प्लूरल नंबर वर्ब लगी है, तो आप समझिएगा कि यहां पर इस पार्ट में एरर हो सकता है, यानी यहां मिस्टेक निकल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अनकाउंट, जिसको आप गिन ही नहीं सकते, उसमें बहुवचन आप कहां से लगाओगे, तो ये इसमें लगेगा सिंगुलर नंबर। लेकिन जिनको आप गिन सकते हो, अगर एक बॉय है तो इज, और बॉयज है तो आर, एक गर्ल है तो इज, और ज्यादा है तो आर, राइट। तो हमने जाना नाउन के बारे में, दो प्रकार जाने, कैसे पहचानेंगे, हमने ये जाना कौन सी वर्ब लग सकती है, हमने ये जाना। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे अच्छा रहता है। ऑनेस्टी, बड़ी फेमस कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो पॉलिसी वैसे भी ये नाउन है,
चाहे वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो या शिक्षा अकेडमी से जुड़ने की पॉलिसी हो, डिप्लोमेसी हो, राइट, ये आपके लिए नाउन है। तो ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे? ईमानदारी। तो ईमानदारी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या यहाँ पे आर लगा है? अगर यहां आर लगा होता तो आप समझ जाते कि अनकाउंटेबल में तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी थी, फिर यहां पे प्लूरल कैसे आ गई, यानी कि यहां पे पार्ट एरर हो जाता। हालांकि ये वो कहावत है जो आपको वैसे ही याद कर लेना चाहिए। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में इज आया। फिर है, अगर मैं बोलूं बॉयज आर गुड तो आर आएगा, गर्ल्स गर्ल इज गुड तो इज आएगा। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना के कॉमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उनका रिप्लाई करने की। फिर है पहचान, एक और तरीका है। वैसे पहचान के बारे में मैं समझा चुका हूं, मैं भी नाउन हूं, आप भी नाउन, फिर भी जब एग्जाम में आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वहां पर आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आप नाउन है मैं नाउन है, वहां पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली या यो कहो कि लॉजिकली समझना पड़ेगा। तो हम जानेंगे पहचान एंडिंग के आधार पर, जब वो खत्म होता है तो उसे कैसे पहचाने। पहला है मेंट, हालांकि पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, जैसे अम्यूजमेंट, आप कहीं जाते हो एंटरटेनमेंट, कितनी फेमस मूवी है, तो मेंट, अम्यूजमेंट, जहां मेंट लगा हो वो नाउन है, और जहां शन लगा हो, शन मतलब 2019 हैप्पी न्यू ईयर, नहीं भाई वो तो है ही हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन शन मतलब जहां पे एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन या कॉन्क्लूजन, ऐसी चीजें हो, प्रोडक्शन, इलेक्शन, पोजिशन, अफेक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो चीजें होती हैं वो कनेक्शन और जन, ये नाउन की पहचान है। फिर है शिप, आप स्कॉलरशिप, अगर अच्छी पढ़ाई करोगे आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप, जी हाँ, ठीक है। फ्रेंडशिप, अरे वाह, फ्रेंडशिप बैंड होता हाथ में पहनने वाला, कितना बढ़िया है नाउन, फ्रेंडशिप के लिए, हमारे बीच में क्या है, फ्रेंडशिप है, ये क्या हो गया नाउन। ईआर, ड्राइवर, सब्सक्राइबर, राइडर, टू व्हीलर चलाने वाला, ड्राइवर चार चक्कों वाला, राइट, या घुड़सवार राइडर, ओआर वाला डॉक्टर, या फिर ईआर वाला इंजीनियर, तो ये नाउन है। फिर नेस, क्रेजीनेस, बिजीनेस, लेजीनेस, ठंड में 5 बजे उठने में लेजीनेस आती है, लेकिन जब बात हो शिक्षा अकेडमी से जुड़ने की और वीडियो को देखने की, आगे फैलाने की, तो आपके अंदर क्रेजीनेस आ जाती है। तो क्रेजीनेस, बिजीनेस, लेजीनेस, ये नाउन की पहचान है। और है लेस, जैसे कि बड़ा फेमस है, होपलेस, होप नहीं है, मनी लेस, जॉब लेस, जॉब ही नहीं है, होम लेस, घर नहीं है, या कैरेक्टर लेस, राइट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिनमें लेस लगा होता है, ये भी नाउन होते हैं। मैंने अभी तक एक भी ऐसा वर्ड नहीं बोला, यही तो शिक्षा अकेडमी की खासियत है कि हम लोग ऐसी बात नहीं करते जनरली जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगे, मतलब जो चीजें आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी हुई है, मैंने अभी तक उन वर्ब को ही, या उन सॉरी नाउन को ही बोला है। आप वीडियो को पॉज कर करके रुक रुक के जब आप सुनेंगे, आप उनको नोट करेंगे, तो आपको लगेगा कि चलते फिरते यूं ही यहीं कहीं कहीं भी आपको वो चीजें मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशन, ना कि ऑल द बेस्ट। ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। अब इसमें आ गया ICS, कितना फेमस है यार, फिजिक्स, फिजिक्स के साथ पॉलिटिक्स, एथिक्स, राइट right? तो एक्स जहां, ये ICS जहां लगा हो वो भी तो नाउन है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है ना, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है ना, एथिक्स, नीति शास्त्र क्या है लाइफ में आपके, राइट right? तो ये भी एक नाउन है। फिर लेस बता दिया मैंने आपको पहले से, राइट right? TH, ग्रोथ, लेंथ, राइट right? तो लेंथ क्या है इसकी, ग्रोथ कितनी है, ये सारी चीजें नाउन की पहचान है। तो आपने जाना बेसिक चीज, अब आप थोड़ी देर से आप इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, फिलहाल में आपको इनका रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना बनेगा डिवीजन, मत भूलिएगा, रिवीजन इज डिवीजन। कोई भी एग्जाम अब आपसे दूर नहीं, क्योंकि अब आप धीरे धीरे करके हर एक चीज पर अटैक करने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप रिवाइज कीजिए। अब आप देखेंगे ऐसे वर्ड्स जो जनरली एग्जाम में आते रहते हैं, आए दिन किसी न किसी एग्जाम में आके आपके मेंटल पोजीशन को चेक करते रहते हैं। मुझे बताया आप वैसे बहुत से लोग मेरे ऊपर ध्यान देने की बजाय पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए ठीक है आप ही की बात मान लेते हैं, वैसे रुकना थोड़ा इतना जल्दी भी नहीं है। तो वो ये वर्ड्स हैं जिनको, पहली बात तो ये वो वर्ड्स जिनको आपने कई बार सुने हैं, यूं कहें कि बहुत बार बोले हैं। आप सभी ने, मेरे हर एक सब्सक्राइबर ने, शिक्षा अकेडमी के फैमिली के हर एक मेंबर ने इसको बोला है और सुना है और बहुत बार देखा भी होगा। तो ये वो वर्ब हैं, ये वो वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं अनकाउंटेबल नाउन के, जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे, और इन्हें जनरली काउंटेबल बनाकर, मतलब इनको प्लूरल नंबर बनाकर, एस या ईएस लगाने की कोशिश करके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। और मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिनमें आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे मार्क्स कट सकते थे लेकिन अब आपके नहीं कटेंगे। तो कंग्रेचुलेशन, देखिए
नंबर वन, हमेशा जो सिंगुलर नंबर कहलाएंगे, मतलब इनको आप अगर सोचो कि मैं प्लूरल बना दूं तो इनको प्लूरल नहीं मानना, ये सिंगुलर ही कहलाएंगे। जैसे पोएट्री, पोएट्री मतलब होता है यहाँ पे कविता, तो ये जो पोएट्री है ना बहुत सारी पंक्तियों से मिलके ही एक कविता बनती है, तो पोएट्री सिंगुलर ही कहलाएगी। और फिर है सीनरी, सीनरी आपने दीवारों पे देखा होगा, अगर आपने एक मूवी देखी हो जिसमें बताते हैं घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग, तो बोलता घोड़ा कहाँ है, तो बोला इट हैज गॉन, बोला वाई वेर इज ईट ग्रास, घास कहाँ है, तो बोलते हैं कि घोड़े ने खा ली, राइट। तो वो सीनरी बेच देते हैं, मतलब वो पेंटिंग बेच देते हैं, तो वैसे ही मिलती जुलती सीनरी होती है जो दीवारों पर लगी होती है। तो सीनरी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ही बनती है, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम सिंगुलर मानेंगे ना कि प्लूरल। और कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब आप सीधा यहाँ देखिएगा, देखिए मशीनरी, आजकल सारा काम किसका है, मशीनरी का है, सारे का मशीन से होते हैं, इसमें भी आप वाई अलग करके आईएस वगैरह नहीं लगा सकते। स्टेशनरी, आप जो कॉपी पेन नोटबुक लेकर आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं, स्टेशनरी से, तो इसमें भी एस आई एस नहीं लगेगा। ज्वेलरी, हर किसी को शौक होता है ज्वेलरी, मैरिज के में या फंक्शन में तो हमें ज्वेलरी का यूज करना ही पड़ता है, तो ये भी हमेशा सिंगुलर रहेगा। क्रॉकरी, बताइए क्रॉकरी का आइटम होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, प्लेट्स वगैरह, ये सब भी सिंगुलर ही रहेंगे, ये प्लूरल नहीं होंगे, इनमें आर नहीं लगेगा, इनमें वर या हैव नहीं लगेगा, इनमें हैज, इज और वाज ही लगेगा। फिर है मनी, आप मनी को वाई अलग करके आई एस लगा के मनीस नहीं कर सकते, वो मनी ही रहेगा हमेशा, राइट। फ्यूल मतलब ईंधन, तो वो ईंधन फ्यूल ही रहेगा, बहुत सारे बूंदों से ड्रॉप से मिलकर बना हुआ है ईंधन, तो उसको बहुवचन नहीं कर सकते। कॉस्ट, कॉस्ट क्या आ रही है, क्या कॉस्ट आ रही है, अरे भाई शिक्षा के प्रति जुड़ने की कोई कॉस्ट ही नहीं है। परसेंटेज, कितने परसेंट आए, तो सारे चीजों से मिलकर ही लास्ट में एक संख्या बनती है, इसको आप बोलते हो 90%, 80%, ना कि 90%। तो परसेंट्स को आप बहुवचन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो कई अंकों से बहुवचन से मिलकर ही कंप्लीट एक बना है जो सिंगुलर कहलाएगा। इसलिए एग्जाम वाले आपके माइंड से खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपको वही करना है जो सही है। फिर है म्यूजिक, आप म्यूजिक सुनते हैं, कई चीजों से मिलकर म्यूजिक बनता है, कई गानों से, एविडेंस, कोर्ट में एविडेंस मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, तो एविडेंस क्या है, राइट। तो एविडेंस भी सिंगुलर रहेगा। बैगेज, एक मुहावरा है, मैं आपको इडियम्स भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप जानोगे बैग एंड बैगेज, राइट, बोरिया बिस्तर बांधना, तो बैगेज है। फर्नीचर, अब फर्नीचर क्या है, अरे भाई इतनी सारी चीजों से मिलकर एक कंप्लीट वर्ड बनता है फर्नीचर। अगर आपने सुना हो शादियों में विद दहेज के, दहेज तो एक गलत वर्ड है, वैसा भी होना ही नहीं चाहिए दहेज, फिर भी इसको एक वर्ड माना गया है, फर्नीचर से मिलकर बनता है, तो फर्नीचर क्या है, सिंगुलर ही रहेगा। फिर लगेज, आप कहीं जाते हो घूमने के लिए, जब आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि आप जुड़ चुके हो शिक्षा अकेडमी से, तो इसमें लगेज लेके आप जाओगे, राइट। और बैगेज मतलब बोझ बिस्तर वगैरह, लगेज बैगेज फर्नीचर, तो ये वो शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनमें एस लग के प्लूरल नहीं बनेगा। अब एरर कैसे आते हैं, पॉइंट नंबर वन, इन सारे शब्दों को प्लूरल नंबर बनाकर दे देते हैं, जिस पार्ट में इनका यूज किया गया है सबसे पहले आपकी नजर कहां पड़ेगी, इन्हीं पार्ट्स पे, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं। तो अगर इनको बहुवचन करके आर या वर कर दिया है तो आप यही वाला पार्ट आंसर निकालेंगे एरर में। फिर है इन सभी के पहले ए एन लगा देंगे, जबकि इनके पहले ए एन नहीं लगेगा, एक फर्नीचर आप नहीं बोल सकते, एक स्टेशनरी, राइट, तो ए एन नहीं लगाना है। फिर है फोर्थ, इनके पहले कभी कभी सेवरल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सेवरल, सेवरल मतलब क्या होता है, सेवरल मतलब होता है अनेक, कई, तो जब बहुवचन कर ही नहीं सकते आप, तो अनेक फर्नीचर कैसे हो जाएगा, अनेक सबूत कैसे हो जाएगा, अनेक क्रॉकरी, अनेक स्टेशनरी, अनेक मनी कैसे हो जाएगा, हाँ बहुत सारा पैसा हो जाएगा लेकिन सेवरल तो नहीं लगेगा ना, तो सेवरल आफ्यू अगर लग जाए तो समझो ये रॉन्ग है। और सभी के बाद में यदि प्लूरल वर्ब लग जाए, जी हाँ नेक्स्ट पॉइंट, प्लूरल वर्ब, बहुवचन वर्ब लग जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर ही रहेंगे। फिर ए एन दा का प्रयोग होगा तो गलत है, केवल दा का यूज हो सकता है, देखो ए एन रॉन्ग है और दा का यूज करेक्ट है, द केवल दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन पांच बातों को आपको वीडियो को पोस्ट करके बार बार इसको सुनना है, इनको बोलना है, और सबसे अच्छा होगा इन वर्ड्स को आप राइट करके देखिए। मेरा ये मानना है और साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज में देखी हुई चीज ज्यादा समय तक याद रहती है, तो
आप यदि इनको राइट करेंगे तो इन वर्ड्स की जो पूरी जो रूपरेखा है, जो इसकी जो पिक्चर है, वो आपके ब्रेन में सेफ हो जाएगी, आपके हाथों को भी लिखने की आदत पड़ेगी। तो आप इनको लिखिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्पेलिंग एरर्स भी आते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक स्पेलिंग सही होती है, एक गलत। हालांकि उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, मैंने जो मेहनत करके रखी है ना हमारी टीम ने, तो हम आपको सरल से सरल चीजें ही लेकर आएंगे, फिर भी इन स्पेलिंग को आपको लिख लिख कर देखना है। तो ये थी वो शब्द, वो नाउन जिन्हें पिलुए बना के वो आपके ब्रेन से खेलेंगे, लेकिन आपने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हो जाइए तैयार। नाउन से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो आपसे बनेगी। अब आगे आप ब्रेक के बाद अगले वीडियो में देखेंगे नाउन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन या कुछ और छिपी हुई बातें जिन्हें जनरली हम किसी बुक में बहुत मेहनत से वहां तक पहुंच पाते हैं या यूं ही किसी वीडियो पे हमें आसानी से नहीं मिलती, तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, तैयार रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें भाई, अच्छाई को फैलाने से अच्छाई और फैलती है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब तक पहुँच गए, ज़्यादा लोगों का सपना पूरा हो गया, तो भाई क्या बुराई है यार, आपकी क्षमता से आप आगे बढ़ेंगे, उनकी क्षमता से वो आगे बढ़ेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बेल आइकन पे क्लिक तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया हो तो कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं महेश तिवारी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी, नाउन की और बारीकियों से आपको रूबरू करवाएंगे, इंटरेस्टिंग होंगी। बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए अपनी फैमिली से, शिक्षा एकेडमी से।